students, today we are going to discuss our next topic, descending order. Descending order में क्या करते हैं? घटते क्रम में हम numbers को लिखते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की ओर. ठीक है? So we have the question, write the numbers in descending order. आपने क्या करना है? Numbers को descending order में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लिखना है. सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, छोटा और सबसे छोटा. ठीक है, तो हम इसे करते हैं. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 245, 255, 269, 316, 281. तो हमने क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है. तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 316. ओके, अब हम सिंबल लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से, ग्रेटर देन का. अब इससे छोटा, 316 से छोटा यहाँ पर कौन है? 281 सिंबल, देन कौन है? 269, देन 255 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर, दैट इज 245. सेकेंड हम करेंगे, देखेंगे 3,662, 3,721, 3,664, 3,673, 3,651. यहाँ पर कॉमन क्या है? 3,000. हंड्रेड्स में चेंजेस हैं, तो हम हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है. तो दैट इज 3,721. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,721 सिंबल. अब इससे छोटा कौन है यहाँ पर? 3,673 सिंबल. इससे छोटा है यहाँ पर 3,664. इससे छोटा है 3,662 और सबसे छोटा है यहाँ पर 3,651. ओके, नंबर थ्री, 6,862, 6,855, 6,801, 6,803, 6,815. सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है? 6,862 सिंबल. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर इसे छोड़कर कौन है? 6,855. नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारे पास? 6,815. नेक्स्ट है हमारे पास 6,803 और सबसे छोटा नंबर है हमारे पास यहाँ पर 6,801. फोर्थ हम देखेंगे 6,397, 6,396, 6,409, 6,399, 6,387. इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? कॉमन है यहाँ पर 6,000. हंड्रेड्स में चेंजेस हैं, तो हंड्रेड्स में हम देखेंगे सबसे बड़ा है 6,409. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,409 सिंबल. नेक्स्ट कौन है हमारे पास बड़ा नंबर? 6,399. नेक्स्ट है हमारे पास 6,397. नेक्स्ट हमारे पास है 6,396 और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 6,387. फिफ्थ हम देखेंगे 6,610, 6,599, 6,649, 6,648, 6,636. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? 6,649. ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पे. फिर इसके बाद कौन है? 6,648. नेक्स्ट है हमारे पास 6,636. नेक्स्ट हमारे पास है 6,610 और सबसे छोटा नंबर इसमें से हमारे पास 6,599. नंबर सिक्स हम देखेंगे 9,299, 9,275, 9,302, 9,343, 9,300,
3। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है। कॉमन है हमारे पास 9000, चेंजेस हैं हंड्रेड्स में, तो हंड्रेड्स में हम देखेंगे 300 है बड़ा। 9343 सबसे बड़ा है यहाँ पे, 9343 सिंबल। इसके बाद कौन है, 9303। नेक्स्ट है हमारे पास 9302। नेक्स्ट हमारे पास है 9299। और सबसे छोटा नंबर इसमें से हमारे पास 9275। नंबर 7, 4367, 4358, 4344, 4365, 4320। कॉमन क्या है इसमें, 4300। हम बाकी के दो नंबर्स को देखेंगे और तब देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 67, 58, 44, 65, 20। कौन सा है सबसे बड़ा, 4367। ये आ गया यहाँ पर सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4365। नेक्स्ट हमारे पास है 4358। नेक्स्ट हमारे पास 4344। और सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 4320। नंबर 8, 8359, 8298, 8292, 8346, 8333। ओके, यहाँ पर कॉमन क्या है, 8000, हंड्रेड्स में चेंजेस हैं, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन है, तो दैट इज 8359। ये सिंबल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 8346 सिंबल। नेक्स्ट है 8333 सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास है 8298। और लास्ट में सबसे छोटा नंबर हमारे पास है यहाँ पे 8292। ओके, सो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसे आप ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उसे छोटा 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 और सबसे छोटा हमें लिखना है। इस तरह से हम इसे करेंगे। इसे रिलेटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।